हेलो गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो रहेगी लॉकडाउन से रिलेटेड। आप सबको पता है कि कोरोना का कहर पूरे देश में छाया हुआ है, ठीक है? तो जैसे ही अभी आपका लॉकडाउन 1 कंप्लीट हुआ है, तो लॉकडाउन 2 आपका अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस है, कोविड-19 के जो केसेस है, वो केसेस काफी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ दिशा निर्देश जारी हुए है कि कुछ चीजों में आपको छूट मिल जाएगी। जैसे अभी सब कुछ ही आपका पूरा फुली कंट्रोल है, आप बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद बोला जा रहा है कि आपको कुछ छूट मिलेगी, ठीक है, एरिया वाइज। तो आज हम बात करेंगे कि किन किन के ऊपर आपको छूट मिलेगी और कहाँ कहाँ आपको पाबंदी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन 2.0 इसका मतलब है कि लॉकडाउन 2 आपका स्टार्ट हुआ है। सख्त दिशा निर्देश जारी, 20 अप्रैल से मिलेगी रियायत। जानिए क्या है छूट और पाबंदी। तो इस वीडियो में हम इसी की बातें करेंगे कि आपको क्या क्या छूटें मिलेगी और किन किन के ऊपर पाबंदी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, कंटिन्यू करते हैं हम अपने वीडियो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 2.2 का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि बुधवार को इससे संबंधित सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं पर छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, हालांकि इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन का होगा। हम आपको बता रहे हैं कि संबोधित दिशा निर्देशों में क्या छूट दी गई है और क्या पाबंदी है। तो सबसे पहले हम छूट की बात कर लेते हैं कि छूट किस किस के ऊपर मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेगी, ठीक है? तो बैंकिंग का जो भी आपका लेन देन है और जो आपके एटीएम वगैरह है, वो आपका पूरी तरह से काम करेंगे, जो अभी भी कर रहे थे लेकिन फुल टाइम से नहीं, फुल टाइम नहीं था आपका बैंक के अंदर। आगे दिया है, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे। पैथोलॉजी लैब दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेगी। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और पेट्रोल डीजल सप्लाई जारी रहेंगे। मेडिकल इमरजेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिलों में जाने की इजाजत होगी, ठीक है फ्रेंड्स? आगे आगे देखते हैं और क्या क्या छूटें मिली है। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेगी। किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी। और मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई है। और इमरजेंसी में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को छूट दी गई है, ठीक है? आप 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से जा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई है, अफवाह उड़ाई है कि बस और ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, तो बस और ट्रेन 3 मई तक स्टार्ट आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स? आगे देखिए, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था खुली रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयां भी चालू रहेगी। और क्या मिलेगा आपको? एम्बुलेंस समेत मेडिकल और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी जारी रहेगा। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। न्यूनतम दूरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन तय करेगा। देखिए, जो जो हाईवे के ऊपर ढाबे वगैरह होते हैं, वो सब आपके खुले रहेंगे, ठीक है? वो सभी होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खुले रहेंगे जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहरे हुए हैं। और गौशाला भी क्या रहेगी आपकी? खुली रहेगी। अब आगे देखिए, और पाबंदी अब कहाँ कहाँ रहेगी, तो हम पाबंदियों की बात कर लेते हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बिना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ठीक है? घर में बना मास्क, आप जो मास्क मार्केट से खरीदते हैं, उससे अच्छा है कि यदि आप घर में बनाया हुआ मास्क यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे है आपका, शादी समारोह और धार्मिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो शादी समारोह और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे आपके। थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी कुछ जमात के लोग पकड़े गए हैं, ठीक है?
तो और कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं जो कि जिनको ये वायरस का कहर है, वो थूक रहे हैं जगह जगह, तो ऐसा करना बंद कीजिए प्लीज। आगे दिया है, सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे, सभी टैक्सी ऑटो साइकिल और रिक्शा सहित सेवाएं बंद रहेगी। आगे है आपका सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और बार आदि भी बंद रहेंगे। तो आपके ये मॉल जो है, आपके शॉपिंग मॉल हो गए, आपका जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ये सब आपके बंद रहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, सभी धार्मिक स्थानों पर सार्वजनिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो अंतिम संस्कार के मामले हो रहे थे, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि 20 लोग जा सकते हैं, 20 से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। आगे है, राजनीतिक और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी, ठीक है। आगे है, बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति रहेगा, ठीक है। आगे, एक जिले से दूसरे जिले जाने पर रोक रहेगी, ये आपका हो चुका है। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति रहेगा। दुपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। सभी शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपके एजुकेशन सेंटर है, मतलब चाहे आपके स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, ये 3 मई तक आपके बंद रहेंगे। तो ये आपका जो पाबंदी है, इन इनके ऊपर पाबंदी है, और जो छूट के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आपके 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन इनके ऊपर आपको रियायत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।